नमस्कार दिल्ली के हमारे बुद्धिमान पत्रकार दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि हमने बहुत इंतजार नहीं करवाया हो। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारी एक नई फिल्म है, 18 तारीख को रिलीज होने वाली है। हम चाहते हैं कि आप इस फिल्म को देखें, अपने पड़ोसी को भी दिखाएं, इसका जिक्र करें, लोगों को बताएं, क्योंकि होता क्या है कि छोटी फिल्में जो होती हैं उसके लिए दायित्व तो बड़ा हो जाता है। हमारा बजट उतना नहीं है कि हम इसको बड़ी फिल्मों की तरफ प्रमोट कर सके, तो इसलिए आपसे गुजारिश रहती है, इच्छा रहती है, सहायता मांगने की जरूरत रहती है। इसलिए हम दिल्ली आए हैं अपना झोला लेकर, और हम चाहते हैं कि आप इस फिल्म को देखें और 18 मई शुक्रवार को अपना कीमती वोट देकर हमें विजयी बनाएं। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, हेलो, गुड इवनिंग। मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिल्म बैठ के आपको ट्रेलर देखा, बहुत मेहनत से भाई है फिल्म, सब लोगों ने काम किया है, प्रोड्यूसर साहब, राइटर डायरेक्टर साहब, अच्छा है। तो आपके माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि भाई ऐसी फिल्म है, मजेदार फिल्म है, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, यही हम चाहते हैं। थैंक यू। बाकी आप पूछिए, सवाल पूछना चाहते हैं तो ये एक और गाना था और मैं अच्छा है, मैंने फिल्म लिखी है, डायरेक्ट की है, और अच्छा ये तो सवाल दे रहा था, मुझे मिल गया। अमूमन कहा नहीं आते थे, बड़ी मुश्किल से लोग मुझे मिलता है, बड़ी मुश्किल से फिल्म बनती है। फिल्म बनाने के बाद समझ आया कि फिल्म बन जाए वही सबसे बड़ा जादू हो गया, और ये मेरा नसीब रहा। और मेरे साथ इतने अच्छे एक्टर्स थे, विनय, मनोज और बाकी पूरी कास्ट यहाँ मौजूद नहीं है, और यहाँ से हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों के पास कोई सवाल हो सकते जी? जी अरे मुझे कैसा है, क्योंकि एक्टर तो पहले मैं इतने सालों से एक्टर हूँ, एक्टर अपनी दुनिया में रहता है, उसके आसपास लोग उसका ख्याल रख रहे होते हैं, यहाँ पूरी दुनिया ही उलट पुलट, मैंने दिन रात जितना उस पर था, अब जो है मुझे अपने साथ 100-150 लोगों को साथ लेकर चलना होता, तो उसमें फिर आपको अलग तमीज से रहना पड़ता है। तो मुझे कुछ लगे कुछ एक दो दिन ये समझने में कि एक्टर की तमीज और डायरेक्टर की तमीज में फर्क लाना होगा। तो शुरू शुरू में तो जो थोड़ा एक्टर थोड़ा फैला रहता है, थोड़ा चौड़ा रहता है, बेवजह चौड़ा रहता है, लेकिन समझ में आया कि डायरेक्टर होने के नाते खुद को थोड़ा समेट लेना पड़ेगा, यूँ बात बात फैल जाने से काम नहीं चलेगा। तो हाँ, फर्क तो बहुत बड़ा था। जी इसमें दो बातें हैं, एक तो संजीदा वाली जो बात है उसमें तो हम सारे शिकार हैं किसी न किसी तरीके से, कोई संजीदा का शिकार है तो कोई कॉमेडी के लेवल का शिकार है, लेकिन हम लोग सब बेहतर हैं, सब अपना 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 काम जितना हो सके उतना अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। वहाँ जरा धीरे बात करें प्लीज, वहाँ धीरे बात करें। अगर कोई और क्लियर चल रही है उसके लिए भी बहुत तो वो अलग बात है। अब जैसे कि मैंने कुछ कॉमेडी सीरियल से कुछ कॉमेडी रोल्स भी किए हुए हैं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं हुए या ज़्यादा देखे नहीं गए, तो वो बात अपनी जगह है। और कॉमेडी क्यों चुनी, जाहिर कुछ भी आप नया करना चाहते हो, कोई परफॉर्मिंग आर्ट का सबसे बड़ा उसूल यह है कि आपको लोगों के लिए होता है, आप अपने घर में देखने के लिए नहीं कर रहे होते हैं, तो आपकी यही कोशिश होती है कि आप ऐसा क्या करें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, और जाहिर उसको आप ये ढूंढ रहे होते हैं कि वो लोगों को पसंद आए, वो चीज़ पॉपुलर हो। और फिल्म के साथ अब वो बहस अलग है कि सही है या गलत है, लेकिन एक चीज़ जुड़ी रहती है आजकल, खास करके जब सब इतना महंगा हो गया, सबको लगता है जाएंगे शाम को पिक्चर देखेंगे, मज़ा आएगा, खाना वाना खाएंगे, फिर घर लौट आएंगे, तो वो सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए था कि कुछ कॉमेडी की कोशिश की जाए, तो यह वजह है कि मैंने कॉमेडी लिखने की कोशिश की है। अब ये सफल कितने हुए कितने नहीं हुए तो 18 के बाद आपको बताएं। हाय एवरीवन, दिस साइड टू योर राइट, Prey Chauhan from Net News. Well, first of all, I would like to say that trailer is looking promising. And comedy generally is not easy to crack in Bollywood. So, जब आप shoot कर रहे थे तो आपको तब mind में था कि okay, is it working or it will work आगे जब movie release होगी?
शूट जब होने लगा था, इसका मतलब ये कि उस फिल्म को, देखिए टोटल फिल्म जो है कुछ मतलब शूट से पहले पैसे लग चुके थे, तो ये तो मुझे मालूम था कि वो पैसे लगाने लायक लगी है तभी पैसे लग रहे हैं। तो शूट के दौरान वो इशू इतना नहीं था, बिकॉज द फैक्ट ऑफ द फिल्म वेंट ऑन द फ्लोर्स वाज इनफ टू फिगर आउट दैट मे बी समथिंग इज वर्किंग समवेयर। मैंने मेरे अलावा और भी लोगों को पसंद आ गई क्योंकि वे उसमें प्रोड्यूसर जुड़ता है, फिर धीरे धीरे उसमें एक्टर्स जुड़ने लगते हैं, और फिर ऐसे भी एक्टर्स नहीं थे जो मतलब उस किस्म के होंगे, चलो नए ले लो भूखे तंगे हैं कुछ भी कर लेंगे, ऐसे भी नहीं है हमारे। विनय पाठक राजीव हो रहे हैं, मनोज बावा राजीव हो रहे हैं, सीमा जी डॉलिया दुवालिया अलका अमीन सब बहुत अच्छे मजे हुए और सालों से काम करते हुए लगातार। तो ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता रहता है। फिर शूटिंग फ्लोर पे तो फिर आपका ध्यान सिर्फ क्या होता है, शूटिंग में आपको सिर्फ फिल्म खत्म करनी होती है, उसमें हम लोग समय से लड़ाई लड़ रहे होते हैं, बजट से लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त सारा ध्यान सिर्फ काम खत्म करने में होता है। तो वहाँ तो हम लोग काम जितना हो सके बेहतर और अपने शेड्यूल के अंदर खत्म करने की कोशिश करते हैं। And working with such brilliant actors, made your work easy while directing? Well, for me it was simple. For the simple reason, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग सारे इंडस्ट्री को काफी वक्त से जानते हैं, और मेरे लिए भी यही ठीक था, मैं चाहता भी यही था कि मेरे पास ऐसे कास्ट हो जो बच्चे को साथ लेके चले, क्योंकि पहली फिल्म बना था उसमें कोई बहुत चौड़ा बन जाए तो मुश्किल हो जाती है, तो मेरे लिए बहुत आसान था। और दूसरा है आपकी कास्टिंग अगर सही हो जाती है तो आपका 50% ज्यादा काम खत्म हो जाता है, बल्कि आसान हो जाता है। तो मैं भी उस बिल्कुल अच्छी तरह से और बहुत थैंक यू मनोज जी, आप सब कैसे हैं, आप सबके साथ जैसे कि आपने देखा है ओलंपिक की पारिवारिक फिल्म है, एक परिवार है जिसमें हम तीन भाई हैं और हमारी सबसे बड़ी बहन है डॉली जी जो है। तो जैसे कि होता है पहले जॉइंट फैमिली का सिस्टम था, सब लोग सब लोग साथ में रहते, दो खत्म हो गया न्यूक्लियर फैमिली हो गई, लेकिन फिर भी ये है हमारे यहाँ पे कि किसी की खुशी में किसी की गमी में लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं कि मनाने वाले चाचा नहीं आए, ताए नहीं आए, वहां से रहो मौसी नहीं आई, और ये भी वो है कि अगर किसी को कुछ कर लिया और नहीं बताया तो रूठ भी जाते हैं कि देखो हमको तो बुलाया नहीं, या किसी परेशानी में कोई परिवार देखो हमारे यहाँ इतना संकट था तो आए नहीं, तो उसी तरह की कहानी है। तीन भाइयों में से एक भाई की तबीयत खराब हो जाती है और मैं अपने एल्डेस्ट ब्रदर और सबसे छोटे भाई विनय जी हैं, तो हम लोग जहाँ अलग अलग शहरों में रहते हैं अपना बोरिया बिस्तरा बांध के किस तरह से यहाँ पहुंचते हैं, तो सीरियस सिचुएशन है, एक बीमार है आईसीयू में है, लेकिन जिस तरह से हम लोग जनरली ऐसी स्थितियों में हम लोग रिएक्ट करते हैं, कोई अगर हमको बाहर से देख रहा हो तो खड़ा हो तो उसे हंसी आई आएगी, कई बार वो फनी हो, तो उसी तरह से है कि हम लोग तो बड़ी सीरियस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, पर जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से चीजें हो रही हैं, वो बहुत फनी है, तो लोगों को बहुत मजा आएगा देखने में, मुझे ऐसा लगता है। मुहावरे का पूरा मुहावरा जो है मुझे लगा आधा ही ठीक है, क्योंकि मुहावरा तो पूरा आसमान से गिरे हलियों में अटक गया, मेरे लिए जो है मुझे लगा कि उतना ही काफी है क्योंकि सारी परिस्थितियां इसमें ऐसी कि हर किरदार किसी न किसी वजह से रुका हुआ, उसका जीवन अटक गया और एक अनसर्टेनिटी से समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला कब खत्म होगा, परसों खत्म होगा, कब खत्म होगा, तो इस वजह से वहीं से मैंने हलियों में अटक गया। उसका सीक्वल बनेगा, उसका नाम आसमान से गिरा, हां उसका सीक्वल इसमें आपने बहुत ज्यादा कलाकारों को लिया है, तो दूरदर्शन के कलाकारों को ज्यादा लिया है, सोशल मीडिया जैसे एपिसोड चल रहे होते हैं उनमें सारे वही कलाकार, तब क्या इसमें रोल कितना दूरदर्शन है आपको, विनय पाठक कहां से दूरदर्शन के कलाकार सर, उनके बहुत दूरदर्शन आए हैं, दूरदर्शन मैंने दूरदर्शन से ज्यादा कलाकार इसमें दूरदर्शन के ही नजर आए सारा, जो भी उन्होंने
बहुत सालों पहले बचपन में देखा होगा तभी वही याद आ रही है सर। नहीं नहीं उसमें कलाकार कलाकार है, मेरा मतलब मेरा मकसद सिर्फ एक था कि मेरे पास एक कास्ट अच्छी होनी चाहिए, ऐसे एक्टर्स हो सके जो बात कोई बारीकी को समझ सके। एक ये कि कहानी गंभीर है, किसी की मौत होने वाली है तो समस्या तो परिवार की जो है वो अपने आप में आसान सी नहीं है, लेकिन फिल्म जो है हमने कॉमेडी बनाई है तो एक सुर पकड़ के रखना चाहिए था। दूसरा इस फिल्म का सुर थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक में रखा हुआ है, माने जो आम सुर है उससे थोड़ा दो नोट ऊंचा, तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि ज्यादा ऊपर चले गए तो बहुत गंदा और धूहड़ दिखेगा और नीचे रहे तो बहुत स्क्रिप्ट को उससे मदद नहीं मिलती है। तो अब किसी के कलाकार चाहिए थे तो उस हिसाब से कास्टिंग की गई है। अब ये बात अलग है कि अब आपको कुछ नया नजर आया तो वो अलग बात है, बाकी हमारे कास्टिंग किया जाता तो यही हिसाब से हमने कास्ट किया है। सर इसमें पूरी कास्ट हीरो हीरोइन है और इसमें पूरी इसमें स्क्रिप्ट हीरो हीरोइन है। आजकल सौभाग्य से ऐसी कहानियां बनने लगी हैं जहां हीरो हीरोइन नहीं होते हैं और हीरो हीरोइन के आसपास सारी कहानियां नहीं होते, क्योंकि अब वो मामला भी आउटडेटेड सा होने लगा है। एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, फिर विषम विषम होता है, फिर गाना बजाना होता है, फिर नाचना होता है। ये साउथ कास्ट फिल्म है, इसमें 15 के 15 लोग हीरो हैं और 15 के 15 लोग हीरोइन हैं, आप इसको जैसे देखना चाहे। मनोज सर मेरा सवाल मनोज जी से है। मनोज जी आपको समोसा बहुत पसंद है, इस फिल्म में कई समोसे का कुछ है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है, समोसे खाने के पैसे बहुत मिलते थे सर उस दिनों, जो है समोसे खा खा के घर चला मैंने। अरे वो तो आपने भी का मतलब मैंने अभी बताया ना, बहुत पैसे चार्ज करता हूँ मैं खाने के। बहुत बड़ा फर्क है, उसमें आप अपना सीन करते हैं, जब तक आपका सीन नहीं आता आप अपने बैर में इंतजार करते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ गया तो आप सेट पे भी चले जाते हैं कि भाई चलो चलो काम खत्म करो जल्दी, क्या कर लो मैं कब तक बैठा हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन जब फिल्म चल रही होती है तो आप अकेले नहीं हैं, आपको बाकियों को साथ लेकर चलना है, जो बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ एक तरफ पूरा यूनिट आप पता करने में लगा होता है और जब आप डायरेक्टर बनते हैं तो आपको सब पता करना होता है, आपको सबको लेकर साथ चलना होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। मैंने मेरे लिए पूरे एक नया तजुर्बा रहा, पूरे मैंने जीवन का ही नया तजुर्बा था, उसमें काफी कुछ मैंने जीवन के रूप में ही सीखा है कि 100 लोगों के साथ मिलकर के कैसे काम किया जाता है, वो एक अलग ही तजुर्बा। हाय हर्ष सर जी, आई एम चारू फ्रॉम दिल्ली 99। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, मूवी बन गई जी। मूवी के में जो इमोशंस नजर आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप, इन्होंने ऐसे ही बिल्कुल बोला कि आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन चलो मूवी बन गई, चलो मूवी बन गई, अब आगे। कोई भी कहानी वैसे देखिए आप चाहे जो कह लें कहावतें गाने कहानियाँ फिल्में हमारे जीवन से ही आती हैं, मैंने इस तरीके का यही उसूल है, तो हर चीज़ कहीं ना कहीं हमारा ही आईना है। तो ये कहानी ये फिल्म भी एक नजरिए से हम लोगों का आईना है कि भाई बाहर से मैंने जो देखा अपने घर परिवार में दोस्तों के बीच ठीक उसी को मैंने पढ़ते हुए उतारने की कोशिश की। तो हाँ ये है कि जब हम अपने आप को बाहर से देखते हैं तो कभी कभी कैसा दिख सकता है कि भाई सिचुएशन बहुत गंभीर हो सकती है और हम लोग परेशान हो सकते हैं और बहुत इंटेंस इमोशन में हम कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं कर देते हैं, थोड़ा अजीब सा कुछ उस प्रेम में फिट नहीं होता। तो कोशिश यही है कि देखिए हम लोग सब अपने आप को बाहर से देखें कैसा दिखता है, तो हाँ आप ये कह सकते हैं कि एक किस्म से आईना ही है। ये बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरे लिए, ये पारिवारिक फिल्म करना एक पारिवारिक फिल्म की तरह ही था, क्योंकि
जितने कलाकार थे वो सब हमारे बहुत सालों से दोस्त भी रहे हैं हमारे हाँ, तो हमारे लिए तो मतलब सबसे कमाल की बात ये हो गई कि रोज हम जाते थे काम करने के लिए लेकिन मजा करके वापस लौटते थे और सबसे अव्वल ये कि इसके पैसे भी मिले हमारे हाँ तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा मुझे लगता है कि रिलेटेबिलिटी ऑफ क्लॉक मैंने बहुत पहले कोसला का घोषणा तो जब कोसला का घोषणा बनी थी 2003 में रिलीज हुई थी 2006 में अभी तीन साल उस फिल्म को कोई छूना नहीं चाहता था क्योंकि उनको लगता था कि ये कैसी फिल्म है लोगों को शायद पसंद नहीं आई लेकिन वो पारिवारिक फिल्म थी और उस फिल्म को देखने के बाद सबको लगा कि अरे यार मेरे ताऊ जी के घर में तो ऐसे हुआ था सबके घर में कुछ न कुछ ऐसी समस्या हुई थी घोषणा देख के लोगों को लगा था कि नहीं ये यथार्थ को दर्शाती हुई फिल्म है और एंटरटेनिंग तो मुझे लगता है कि हमारी ये जो फिल्म है तजुर्बे पे बैठ के हमारा ये दावा है कि आप सबको कहीं ना कहीं अपने जीवन से जुड़ी हुई एक आज कहानी जरूर याद आएगी और ऑन टॉप ऑफ दैट इट्स वेरी एंटरटेनिंग सो आई थिंक द यूएसपी वुड बी दैट एंटरटेनमेंट विद a strong sense of connect, emotional connect and relatability. Hi, Vinay, I'm from Dan and Rashmi. I have a question. First from Vinay and Swathya, I'm your dog. Comedy, if you talk about comedy, you both have a comedy in the mind. You have a joke. So, when doing this with Ajurve, with comedy, living in my life, अच्छा कठिन और जटिल सवाल किया आपने तो बड़े भाई आप हैं देखिए अरे कठिन और जटिल सवाल जो है नहीं देखिए ऐसा है कि कॉमेडी हम लोग पहले भी कर चुके हैं जैसे कि आपने कहा हम लोग कर चुके हैं टेलीविजन फिल्म्स में और इसमें भी उसमें कॉमेडी में मेरे हिसाब से कुछ नया पुराना नहीं होता है मतलब ये है कि आप देख रहे हैं या तो आपको हंसी आती है या तो इट साउंड्स स्टूपिड बीच का कुछ नहीं होता है तो अगर वो वर्क करती है अगर स्क्रिप्ट के लेवल पे और परफॉर्मेंस के लेवल पे अगर उसकी टाइमिंग करेक्ट है तो आपको हंसी आएगी नहीं तो आपको लगेगा ये क्या मतलब बकवास चल रहा है तो मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट पहली बार में इतनी अच्छी लिखी रश्मि और ऊपर से हमने जब उसके ऊपर कैरेक्टर हमने काम किया तो अभी तक तो रिएक्शन यही है कि इट्स वर्किंग तो अगर वो कॉमेडी वर्क करती है तो इसका मतलब ये है कि हाँ लोगों को मजा आना चाहिए मतलब लोगों को अच्छी होनी चाहिए केक वॉक हाँ नहीं 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 केक वॉक भी समझ में आता है तो मैं इस मसले पे दोनों सवाल पे कुछ इतना कहना चाहूंगा कि पावा साहब ने जो कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं और हम चाहते हैं कि आप अपने ब्लॉग में ये बात जरूर लिखिएगा कि यहाँ हम लोगों ने कोई स्क्रिप्ट देख के तो कॉमेडी की नहीं हाँ पावा साहब लेकिन समझ रहे हैं यार तो और बीच में कुछ लोग बोल भी रहे हैं तो आपको उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा पिक्चर एड होने दीजिए आप फिर से की चढ़ाई देखेंगे एज ए डायरेक्टर एक्टर तो देखी ही है आर यू अ चेंज पर्सन नाउ लाइक व्हेन यू विल बी एक्टिंग नाउ सो विल यू बी अ चेंज पर्सन वो तो बात नहीं करने की बात है नहीं 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 अपना सूट कैसे छोड़ देगा हर काम को अपना सूट होता है उसे पकड़े रखना जरूरी है एक्टर एक्टिव रहेगा लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें बदलेंगी
क्योंकि एज ए डायरेक्टर ही जब मैं सेट पर बैठा होता हूँ, जैसे एक बहुत छोटी सी बात है कि हम लोग जब मैं रेडी हो रहा होता हूँ किसी शॉट के लिए या सीन के लिए अपने मेकअप रूम में मेकअप जगह पर, तो अचानक से एक असिस्टेंट थोड़ा चला आता है, सर बता जो मेरा तैयार हो गया, फिर 5 मिनट बाद दूसरा दौड़ा चला था, सर 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 बुला रहे बुला रहे बुला रहे, अरे आ रहे हैं यार, फिर तीसरा आता है सर तब तक आ रहा है बुला के तुम जा रहे हो। उस वक्त हम वाकई में तैयार होने की कोशिश, मैं तैयार हो रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार ठीक से तैयार हो जाऊँ, देखूँ मेरे कपड़े जूते मोजे सब ठीक ठाक है कि नहीं, जूता अगर थोड़ा छूना पड़ता है, शर्ट कुछ अलग कुछ होता है, तो आपको सारी चीज़ें जब तक सही ना हो एक्टर तो मन नहीं मानता। अब मैं वहाँ सेट पर बैठा बैठा पहले शुरू शुरू में था अरे बुला यार वो क्यों नहीं आ रहे, बुला यार वो क्यों नहीं आ रहे, फिर पावा साहब और हम पहली बार में चले जाते तो मुझे ये ख्याल आता था एकदम से कि नहीं नहीं यार जब मैं जाता हूँ और कोई बार बार आता है तो कैसा लगता है, तो बार बार किसी को ना भेजा जाए, लेकिन जैसा इन्होंने कहते हैं वो मौका ही मिलता था, ये इनके पास कोई पहुंचा नहीं, इनकी आधे रास्ते आ जाते थे कि पहुंच गए, तो ये भी समझ में आया कि हर एक्टर मेरी तरह चौड़ा नहीं हो जाता है, ज्यादातर एक्टर तमीज में रहते हैं। इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा। आप लगता है आपका फेसबुक नया नया है, मैंने बहुत सी ऐसी फिल्में की जो कॉमेडी नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपने मेरी सिर्फ कॉमेडी फिल्में ही देखी हैं और आपको लगता है मैं सिर्फ कॉमेडी फिल्में ही करता हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी के यहाँ पे जो हमारे ईमान दोस्त हैं उन्होंने मेरी और वो फिल्में भी देखी हैं जो कॉमेडी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि रुझान सिर्फ कॉमेडी की तरफ ही है, रुझान अच्छी स्क्रिप्ट की तरफ भी है, अच्छे डायरेक्टर्स की तरफ भी है। मैं हर साल बहुत सालों से जानता हूँ इनकी स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे इनकी सेंसिबिलिटी पता है, मुझे थोड़ा बहुत ऐसा गुमान था कि किस तरह की फिल्म बनाएंगे, इसीलिए ऐसी फिल्मों से जुड़ने का अवसर खोजता रहता हूँ और अंदर से चाह रहती है, चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो या सिर्फ फेसबुक अपडेट हो, मैं कुछ फिक्र नहीं। तो हमारी कहानियाँ एक जैसी हैं लेकिन अलग इन द सेंस कि मैं इंटेंसिटी का थप्पा लिए घूमता हूँ और ये जो है कॉमेडी का थप्पा लिए घूमते हैं, लेकिन उन्होंने और बहुत से काम किए हैं जो काफ़ी संगीत हैं, काफ़ी गहरे हैं, वो और में से एक है और भी दस्तकारियाँ तो इन्होंने खुद बनाई नहीं थी, प्रोड्यूसर भी थे और सर मेरा क्वेश्चन से है जी, जी, इस फिल्म को बनाने में कितना समय लगा और किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, और कठिनाई तो नहीं, इतनी कठिनाई नहीं आई थी क्योंकि हमेशा फिल्म बनाने से पहले अगर आपका फिल्म तो पहले तो प्री प्रोडक्शन में काम अगर सही हो तो शूट करते वक्त इतनी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन ये जरूर रहता है क्योंकि हम 27-28 दिन में फिल्म शूट कर रहे होते हैं और वो 2.5 घंटे की फिल्म हमारे उसमें 80-90-100 के आसपास सीन होते हैं, काम बहुत रहता है दिन के अंदर में, काफी काम करना होता है, तो वो हमारा झगड़ा हमेशा समय से रहता था कि काम खत्म करना है, काम खत्म करना है, काम खत्म करना है, लेकिन हमारे पास इतने मजे हुए कलाकार थे और इतने डिसिप्लिन सब कलाकार थे कि वो काम खत्म करने में कभी दिक्कत नहीं। स्क्रिप्ट पे रहकर आकर अटक जाती है, रिलीजिंग एज अ थिएटर तक नहीं पहुंचती है।
अनफॉर्चुनेटली अब इतना नहीं होता, अगर आपके पास स्क्रिप्ट अगर अच्छी हो, स्क्रिप्ट सही हो तो पढ़ने तक तो आ ही जाती है। कभी कभी और लगता है जैसे ये बता रहे थे कि घोसला को घोसला को 3 साल लगे, लेकिन उसने दिन का उजाला तो देखा है। लेकिन ऐसी फिल्मों के बाद जो शुरू हुई थी, आज की तारीख में इतना मुश्किल नहीं है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो लोग देखने भी आते हैं। अभी तो काफ़ी सारी फिल्में आई थी, आप देखेंगे इस बार का जो कवर था उसमें कोई भी कमर्शियल स्टार नहीं है उस कवर में, कहानी इतनी बदल चुकी है। लेकिन फिल्म बनाते वक्त जो आम तकलीफें आ रही हैं तो आती हैं कि अब कहानी लेके निकले, प्रोड्यूसर मिला, फिर वो 15 दिन आपके साथ रहा, फिर वो चला गया, फिर कोई मिला, फिर वो चला गया, तो वो ढूंढने में आपको वक्त लगता है। फिर आप फिल्म की कास्टिंग करते हैं, 2-3 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, कभी कभी लंबा भी चल जाता है। उसके बाद आप फिल्म बनाने पहुँच रहे हैं, फिर लोकेशन और ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। खाली एक चीज़ थी कि इस कास्ट में करीब 15 से 16 एक्टर्स हैं जो सारे के सारे इम्पोर्टेंट। मैंने आपने देखा 2 सेकंड का 30 सेकंड गाना देखते हैं, उसमें भी आपको सारे दिख जाते हैं। तो सारी फिल्म इस तरह से कोई नहीं है कि एक आया और फिर पता नहीं 15 मिनट तक दिखा रही, वो नहीं है। तो कभी कभी ये होता था कि ये कुछ एक लोकेशन होते थे जहाँ पे सारे एक्टर्स साथ होते थे, 12-15 एक्टर सारे एक साथ, एक से दिग्गज इंडिया आपने सीन जाता है तो फिर इम्प्रोवाइज भी करते हैं, अपना जो कुछ बनाते हैं। इनफैक्ट आप ये जो ट्रेलर देख रहे हैं, जो मुझे लोग कहते हैं कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो स्क्रिप्ट में नहीं थी, इन लोगों की अपनी बनाई हुई है स्क्रिप्ट। मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ ये ट्रेलर खत्म होता है वो उनका अपना इम्प्रोवाइजेशन है, वो एक एक्टर ने अपनी झोली से निकाला हुआ। तो तमाम के लोग थे मेरे साथ, सिर्फ इतना था कि सब जब एक साथ इकट्ठा हो जाते थे, 10-12 दिन मैंने सबके साथ एक साथ काम किया, तब मुझे लगता था कि अगली फिल्म में सिर्फ एक ही एक्टर के साथ लिखूंगा, मुझे 15 लोग नहीं चाहिए। अदरवाइज बाकी तो सब मजे में गुजरा। ऐसी बात नहीं हर जी, इधर गया जी। हाँ सर, हाँ पूछे जी सर, 18 के बाद पता चलेगा कितना आपका रिस्पॉन्स मिला। कुछ और कलाकार ले सकते थे? नहीं, ऐसा लगा नहीं। आइए हम अलग बात करते हैं, सार्वजनिक रूप से इसका जवाब कैसे दिया जाए बताइए, लेकिन ऐसा अलग है। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, समझ गए जी, समझ गए। नहीं लेकिन बाद में अलग से पूछ लेना, कोई और नहीं मिला था भाई। लेकिन ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो अब जब मैं फिल्म देखता हूँ तब मैं जिन जिन कलाकारों को उस रोल में देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि अब यार अब देख करते 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 और इन लोगों ने भी इस तरह से इसको अपना लिया था कि जैसे आज की तारीख में, और ब्रांड भी मैं आ सकता हूँ, जो पूरा प्रोसेस होता है कास्टिंग का वो शुरू कहीं और से हुआ। वो कास्ट जो पहले था कि सबसे बड़ा भाई तय कर ले, उसके बाद बाकी कास्ट बनाई जाएगी, तो पहले बड़ा भाई कोई और करने वाला, फिर वो बिजी थे, वो नहीं हो पाए, ऐसे करते 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 हो जाए। अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये तो जो हुआ वो बहुत सही हुआ। जिस तरह से मैं मनोज जी को देखता हूँ, किरदार में फिट होते हैं, जिस तरह से विनय फिट होते हैं, पूरा परिवार। एक बार चीज कहने का मतलब ये कि फिल्म का मुझे, मेरा अनुभव ये कहता है कि फिल्म बन जाती है, अब बनाते नहीं। क्योंकि क्या है ना हर्ष जी, इन्होंने सवाल ही ऐसा कर दिया है कि शादी के बाद पूछ रहे हैं गौना के पहले कि क्या आपको क्या लगता है शादी किसी और लड़के से की होती है? यही था ना सवाल सर आपका? नहीं नहीं ठीक है सर, शादी हो गई है, कमरे का पहले लड़की की उसी को वहां कह दिया कि पहले और किसी चॉइस नहीं। लड़कियां देखी ठीक पहली लड़की देखते यहाँ नहीं थी। रेस में जब किसी घोड़े पे पैसा लगाया जाता है तो घोड़े को देखा जाता है, समझा जाता है, तो खजूर पे अटके पे जब आपने पैसा लगाया तो बिकॉज हर्ष का फर्स्ट टाइम है, नो डाउट एक्टर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन हर्ष का फर्स्ट टाइम था तो कहीं डर नहीं लगा? और ऐसा नहीं लगा कि क्योंकि आपकी भी अभी प्रोडक्शन आपकी दूसरी मूवी तो कुछ और हो सकता था? देखिए मूवी पहली बार जब हर्ष ने हमें लेट किया था उस टाइम पर हमारे पास कोई स्टार का स्टॉक नहीं था, ये आए हैं इन्होंने तो पिक्चर को स्ट्रॉन्ग बना दिया,
पर पिक्चर बनानी है कि नहीं ये डिसाइड सोली इनके नरेशन पे और इनके स्टोरी पे डिसाइड करता है। एंड जैसे मैंने कहा कि स्टोरी एंड कंटेंट है जो हम देखते हैं एक मूवी में, और इनकी इनके पास तो दोनों अच्छे थे मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं था हमें कि ऐसा भी नहीं था कि हमने फर्स्ट ईयर के बाद सोचा चलो करेंगे नहीं करेंगे, नहीं, इट वॉज ऑन द स्पॉट कि चलो आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, सुनने में बहुत मजा आया, इसको करते थे। फिर वो प्रोसेस चालू हुआ एंड जितने अच्छे एक्टर्स से जुड़ेंगे आई एम श्योर ये मूवी सबको पसंद आएगी। वी कैन टेक इट एज अ इनविटेशन कि अगर कंटेंट स्टोरी अच्छी है तो वेलकम प्रोडक्शन। पहले पहले इन मूवीज को रिलीज होने दीजिए कुछ। हाँ लेकिन आजकल ऐसी बहुत सी फिल्में बनती हैं जो कन्वेंशनल नहीं है, और हम सारे लोग हमने हम लोगों में और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसी बात को बीड़ा उठाया है कि हटाओ, जैसे वो नहीं है हटाते सारे घर के बदल आने। और दूसरा ये तो इत्तेफाक की कहानी इसके समय लिखी थी, जब आप लिखते हैं कहानी दो तरीके से लिखी जाती है, ठीक है कि आप एक स्टार को दिमाग में अपनी कहानी लिखते हैं या फिर अपनी कहानी लिखते हैं वो आपको चुनना होता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी से शुरू हुई और ये हुई यूं कि वो मेरे घर मेरे दोस्तों के बीच मेरे आसपास की जिंदगी में जो भी मैंने देखा उसमें से मुझे कहानी मिली है। तो उस वक्त आप सिर्फ लिख रहे होते हैं, जब मैं लिख रहा था तब मैं ये भी नहीं सोच रहा था कि ये फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी, बन पाएगी या नहीं बनाएगी। आपको सच कहूँ तो मैंने इसको शुरू एक नॉवल की फॉर्म में किया था और मैं इसको करीब 15 से 20 पन्ने लिख चुका था, मैं हिंदी में ही नॉवल लिखना चाह रहा था। जब मैंने उस कहानी को बांटना शुरू किया या शेयर करना शुरू किया लोगों के साथ, दोस्तों को आप सुनाते हैं इधर उधर, तो उसके रिएक्शन से सामने आने लगा कि यार इस स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखते। तो इसकी शुरुआत किस किस्म की रही है, इसकी पूरी जर्नी अलग किस्म की रही है, ये कहानी इस किस्म। और दूसरा अनसम्बल कास्ट का एक अलग फायदा कि हर किरदार इसमें बहुत स्ट्रांग है, हर किरदार की अपनी ग्रेविटी है, और जितना ज्यादा आपके पास कहने को हो कहानी वो उतनी ज्यादा सटीक बन जाती है और उतनी जल्दी जैसे नजरों के सामने से निकलती है। बार बार एक ही हीरो नहीं आता है सामने, इसमें कुछ ना कुछ लगा रहता है, हर आदमी आता है कुछ करता है, हर आदमी कुछ करता है, 2 घंटे में कहानी कहां निकल जाती है वो भी नहीं पता चलता। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।